डेफिनेटली नहीं आई है क्या? नहीं आई उमर सर। कॉल किया उसे? जी किया था, फोन बंद है उसका। दोबारा करो, वो जैसे ही आए मेरे रूम में भेजना। ओके सर। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मामला समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो उससे क्या होगा? तुम जाकर नरमिन मैडम को बताओगे। अल्लाह, इतना बड़ा बहुतान मुझ पर? अल्लाह आपको समझेगा कोरे सर, देखना आप। हे, यहाँ आओ लड़की, क्या कर रही हो यहाँ पे? हे सुनो, इधर आओ, क्या चल रहा है यहाँ पे? अभी तक डेफनी नहीं आई क्या? नहीं आई उमर सर। जैसे ही आए उसे कहना कमरे में आए। ओके। कपड़े तो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं तुम्हारे। अरे ये टैग तो हटा लो। अरे मैं इसे हटाना भूल गई। सर उमर मुझे जान से मारने वाले हैं। मैंने उनका नाश्ता भी नहीं बनाया, पता नहीं क्या करेंगे वो अब। बच्चा थोड़ी है, खुद बना लेगा। आपको क्या लगता है कि मैडम यास्मीन रात में वहीं रुकी होंगी क्या? और अभी, अरे नहीं, पॉजेसिव नहीं हो रही हूँ, बस ऐसे ही। अब तो सभी जानते हैं यास्मीन के लिए मेरी फीलिंग्स। मुझे मालूम है, मगर फिर भी माफी चाहती हूँ। वैसे आप मैडम में इंटरेस्ट कैसे? उमर को पसंद करती हैं शायद। हाँ वो तो दिखता है, कह सकते हैं, क्योंकि वो जानती है कि उमर उसके लिए काफी दरवाजे खोल देगा। मतलब उमर और उसके दादा को मिलवाकर सारी जायदाद अपने हाथ में करना चाहती है, लेकिन मैं हूँ यहाँ, उसके अंदर की सारी अच्छाई निकाल कर आऊंगा। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप गलती पर हैं। मोहब्बत सुधार देती है। मेरा मतलब प्यार पाना औरतों को सुकून देता है। मुझे लगता है मेरा प्यार उसे एक अच्छा इंसान बना देगा। Thank you.
सिचुएशन बहुत बुरी है। क्या हो गया? उमर सर कल ऑफिस में गुस्से में थे और अब भी गुस्से में बैठे हैं। क्यों? नए जूते चोरी हो गए। किसने चुराए होंगे वो जूते? शायद उन्हीं की नई सेक्रेटरी ने। बिल्कुल, जूते उसी के पास थे और कौन ले सकता है। ओफो, अब इस कंपनी पे आई मुसीबत को तो देखो जरा। हटो यहाँ से। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, मेरे कपड़े पसंद नहीं आए या फिर उमर आ गया? डेफनी, मुझे जाना होगा सर, उमर बुला रहे हैं। मैं आ रही हूँ सर। सर आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई, मैं ज़्यादा सो गई। देर रात तक काम करती रही थी ना, और पार्टी की भी थकन थी, आपको तो मालूम है, बस इस वजह से। डेफनी, जल्दी अंदर आओ। सुनो, ये क्या हो रहा है? कसम से सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं कतई नहीं बताता। वो मैं जासूस नहीं हूँ किसी का। चुप हो जाओ ना सिनान, कोई सीरियस बात है? हाँ, वो नई वाली सैंडल थी ना, चोरी हो गई। क्या? सर मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं है, मैं बस कुछ ही मिनट तो लेट हुई हूँ। बात को समझिए, मैंने आज से पहले तो ऐसा नहीं किया है ना सर। डेफनी, मेरे शूज कहाँ हैं? क्या मतलब है आपका? जो मैंने जिशान उस्ताद के पास से मंगवाए थे, कहाँ है वो बताओ। मैं क्यों कुछ करूंगी सर, मैंने खुद वहाँ से लाकर आपके हाथ में दिए थे और आपने वहाँ कबर्ड में रखे थे, आपको याद है, वही देखे थे मैंने आखिरी बार। हाँ, अरे देखे ना, यहाँ रखा है बॉक्स। ये कहाँ गए? हाँ कहाँ गए, अली ले गया क्या? मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया था कि ये जूते मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जी सर। तुम पर भरोसा किया और अपने उस्ताद के पास भेजा। ऐसा लगता है तुमने चेक नहीं किया था वहाँ पर। हाँ हाँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना सर, मतलब जैसे आपने कहा था मैं वैसे ही लेकर आई, मैंने चेक नहीं किया क्योंकि आपने मुझे मना किया था देखने को। ये मुमकिन नहीं, मैंने फोन किया था उन्हें। अच्छा तो डेफनी, अकाउंट्स में जाओ, वो तुम्हें पेमेंट कर देंगे। तो आप मुझे फायर कर रहे हैं? ठीक समझी, अब जाओ। मगर मैं जैसा मुझे बॉक्स मिला मैंने वैसे ही लाकर आपको दे दिया। चलो ठीक है, एक मौका देता हूं तुम्हें, बोलो। Nein.
sorma, yangınlar dayım zaman zaman. Sorma, utanırım sorma, söyleyemem sorma.